नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी, इस समय हम मौजूद हैं रीवा के आरटीओ ऑफिस में। यहाँ पर एक मेरे पीछे एक बस देख रहे होंगे और लगभग 50 लोगों का एक छोटा सा काफिला आप देख रहे होंगे। जी हाँ, 50 लोगों का छोटा काफिला, बात को समझिएगा। ये पूर्णिया से चले थे, एक बस इन्होंने तय की, होशंगाबाद का इनको सफर तय करना था। बॉर्डर में हनुमना चेक पोस्ट पे इनकी गाड़ी रोकी गई, ड्राइवर के पास कागजात नहीं थे, यहाँ पर ले आकर इन्होंने बस को खड़ा करा लिया रीवा आरटीओ ने। अब इनको गांव जाना है, अपने होशंगाबाद जाना है, गांव जाना है, ये तय नहीं कर पा रहे इनको क्या करना। मैं सीधे इन्हीं से बात करता हूँ। क्या नाम है, कहाँ से आए हो? लुचो मंडल इस्माइलपुर, उसके बाद जिला पूर्णिया, और उसके बाद भवानीपुर थाना। उसके बाद वहाँ से हम लोग बस को चोईसा से बुक किए, चोईसा से बुक करके होशंगाबाद तक बुक। उसके बाद वहाँ से चला, उसके बाद रास्ते में आके फुल टॉक्स पर एक दिन रुका। उसके बाद वहाँ से चला थोड़ा दिन में, उसके बाद कौन सा फुल टैक्स में, उसके बाद फुल टैक्स से पकड़ के ले आया यहाँ। क्या हुआ, पूरी बात बताओ। आए हैं बिहार से सर, जब वहाँ से एक चौसा में गाड़ी जब बुक किया, वो दलाल ने, दो दलाल ने बुक किया, 2050 रुपया व्यक्तिगत लिया, और वो आदमी ने बुक करके ये गाड़ी सबको चढ़ा के भेज दिया। तो होशंगाबाद का ये टिकट इटासी का लिए, इटासी होशंगाबाद जिला पड़ता है, होशंगाबाद हम लोग जा रहे हैं, और वहाँ से जब चले तो यहाँ आकर को ये बॉर्डर है, यहाँ पर गाड़ी पकड़ा गया। यहाँ से जब गाड़ी पकड़ाया तो ड्राइवर को ले गया अंदर, कागज पत्र ले गया, वहाँ से क्या हुआ, कुछ पैसा ले कर को शाम को छोड़ा। तो फिर रात के वहाँ से चले, तो फिर रात में रोक दिया कुछ देर आकर को फुल टैक्स पर, फिर सुबह को पकड़ लिया यहाँ गाड़ी कल। सफर बेहतर तरीके से चल रहा था, मध्य प्रदेश की सीमा में जैसे ही आए हनुमना में इनकी गाड़ी रोक ली गई। इनका कहना है कि कुछ पैसे दे के हम वहाँ से आगे का लिए रवाना हुए, लेकिन थोड़ी ही दूर पर रीवा आरटीओ ने गाड़ी को फिर से चेक किया और इसको यहाँ पर मौजूद कर दिया। हमारा सवाल आपसे ये है, आपने खाना कब खाया था और अभी क्या है, आपको खाना मिला या नहीं मिला? खाना शाम को यहाँ पर क्या था व्यवस्था, उसको बनाए थे, खाना खाए, कुछ जो बचा था सुबेरे में खाए। दिन भर में अभी आपको दोपहर का खाना मिला? नहीं, दोपहर का भी नहीं मिला। हाँ, अब आप क्या करेंगे अगर आपको जाने के लिए, जैसे ड्राइवर भाग गया है, बस आपके पीछे खड़ी, तो अब ये बस कैसे आगे जाएगी? इसका व्यवस्था कीजिए, हम लोग जाएंगे किसी तरह से जगह पर। कौन व्यवस्था करे, पहुँचवा दीजिए किसी तरह से। इनका साफ तौर से कहना है ड्राइवर भाग गया है, बस पीछे खड़ी है, गाड़ी के कागजात पूरे नहीं है। यहाँ आरटीओ ऑफिस के भी कुछ लोग हैं। अब ये बताइए, जिस तरीके से बस इनके पास यहाँ खड़ी है और आरटीओ ऑफिस में है, अब ये आगे कैसे जाएंगे? इनकी बहुत अव्यवस्था है। आरटीओ साहब इनकी गाड़ी पकड़े, ना इनकी खाने की व्यवस्था किए, ना इनको सही जगह में पहुँचाने की व्यवस्था की, पूरी जवाबदेही आरटीओ साहब की है। यहाँ आपने क्या मदद की आप लोगों ने? हम भोजन की व्यवस्था हम शाम को किए, हमसे 100-100 रुपये इनकी हम सबसे चंदा लेके इनको हम 2,500 रुपये का व्यवस्था किया। इनको एक बोरी चावल दिलवाए, 2-3 किलो दाल दिलवाए, टमाटर आलू मालू जो था तो इनको खाने की व्यवस्था की। गंजा हम ले आए टेंट से, 250 रुपये गंजा वाले को दिए। खाने का इंतजाम आरटीओ विभाग के लोगों ने किया, जो यहाँ पर रहते हैं उन्होंने रात का भोजन तो इनको करा दिया, वही भोजन जो बचा खुचा था सुबह इनने कर लिया। दिन भर से इनने भोजन नहीं किया, बस आरटीओ ऑफिस में खड़ी है। मैं अभी आपको आरटीओ ऑफिस के अंदर ले चलूंगा और किसी जिम्मेदार आदमी से बात करूं, अगर आरटीओ हुए तो उनसे पूछूंगा, नहीं तो वहां जो भी जिम्मेदार आदमी होंगे उनसे पूछूंगा अब इन मजदूरों का क्या होगा। ऑफिस में एक बस खड़ी है, उस बस में लगभग 50 लोग सवार हैं। क्यों बस पकड़ी गई और उस पर अब आगे क्या होगा, ये जानने समझने के लिए हम इस समय मौजूद है आरटीओ विभाग के अंदर, आरटीओ रीवा मनीष त्रिपाठी जी के पास। सर, एक आपने बस पकड़ी है, पूरा मामला क्या है और अब आप क्या करने जा रहे हैं? एक RG नंबर राजस्थान रजिस्टर्ड एक बस थी जिसमें बिहार तरफ के कुछ लेबर्स बैठे हुए हैं,
निमी चेकिंग के दौरान परिवहन सुरक्षा स्क्वाड ने पाया कि इस बस में मध्य प्रदेश का परमिट नहीं है और ना ही मध्य प्रदेश का टैक्स जमा हुआ है। उस गाड़ी को कार्यवाही कर जब्त किया गया ऑफिस में। उसमें देखा गया कि करीब 50 मजदूर उसमें थे और उन 50 मजदूरों का एक्चुअल में वाहन स्वामी को तत्काल जो है व्यवस्था करनी चाहिए थी वैकल्पिक बस की, जिससे उनके गंतव्य स्थल तक मजदूरों को भेजा जा सके, लेकिन ऐसा उनके द्वारा नहीं किया गया। इसलिए हमें जो है उनकी भोजन व्यवस्था करनी पड़ी। हमने उनको भोजन व्यवस्था करवाई है, वो भोजन कर रहे हैं और उसके बाद मजदूरों को हम भिजवाएंगे होशंगाबाद। उस वाहन मालिक बस मालिक से हमारी बात हुई है। बस मालिक ने बताया कि हम गाड़ी को टैक्स और जो भी चार्ज में पेनल्टी होती है परमिट की वो हम जमा करा रहे हैं। यदि वाहन स्वामी यदि जमा कराए दे रहे हैं तो उसी बस से वो मजदूर लौट जाएंगे। इनकेस वो नहीं जमा करा पाते, बस नहीं छुड़ा पाते हैं, तो हमने एक वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी, दूसरी बस हमने बुलवा ली और वो बस हम भेजेंगे। बस में भेजेंगे। जैसे ही मुझे इस बात की जानकारी मिली, हमारे उड़न दस्ता ने एक गाड़ी पकड़ी है, उसमें मजदूर सवार है। गाड़ी को आरटीओ विभाग के अंदर खड़ा किया गया है, मजदूरों के खाने का इंतजाम किया जा रहा, वैकल्पिक बस की भी इंतजाम हमने कर लिया है। ये कहना था आरटीओ रिपोर्ट मनीष त्रिपाठी।